गाइस एक छोटा मोटा वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा वीडियो बनाया था। तो गाइस यहाँ पे जो हॉटस्पॉट सर्वर का जो मैं बात कर रहा था पहले के वीडियो, अगर नहीं दिखा होगा तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक वाउचर सर्वर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मिकमॉन का है, ताइवेनिस है या ताइवेनिस है शायद से, ऐसा कोई सर्वर है। तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, बट आपके जो कॉस्टिंग आएगा सिर्फ आपके इक्विपमेंट्स के कॉस्टिंग आएंगे, रेस्ट ये वाउचर का जो सॉफ्टवेयर ये ऑलमोस्ट फ्री है। तो आपको करना क्या है कि मैंने जनरेट कैसे करना है इसका डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना लूँगा। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक बना के रखा है, ये 5 डिवाइस का है एंड यहाँ पे मेरे पास फ़ोन है। ओके मैं अपने फ़ोन में जाता हूँ एंड टोटली मैं एक यूज़र आईडी कनेक्ट कर चुका हूँ, जैसे कि ये देखो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या मैंने ये जो ट्रैक्स ऑनलाइन करके जो 5G है ये कनेक्ट हो जाएगा कनेक्टिंग का। ओके ये एक्सेस डिनाई हो रहा है, कनेक्टेड। ओके ये ऑनलाइन कनेक्ट हो चुका है एंड तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चला के दिखाता हूँ तुम्हें एंड यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ठीक है तो ये है हम लोगों का पहला। अब ये मैंने तो पहले लॉगिन कर लिया, ये 1 डिवाइस एक बार कनेक्ट हो चुका है तो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद और कोई डिवाइस इससे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मैक रजिस्टर कर लेता है। और यहाँ पे मेरा दूसरा मैं एक चीज़ बोलना था, अगर आपके यहाँ पे ब्रिज मोड में अगर आपके दो दो एंटीना लगे हुए अगर ब्रिज मोड में आपके दो दो एंटीना लगे हुए हैं, तो अगर आपने एक एंटीना से एक ही यूजर आईडी से लॉगिन किया तो अगर आप दूसरा एंटीना पे स्विच कर रहे हो वही सेम यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो तो काम नहीं करेगा। ठीक तो यहाँ पे मैं ये इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आ गया अपना। सो यहाँ पे नीचे देख सकते हो काफी पावर्ड बाय माइक्रोटेक राउटर ओएस ट्रैक्स ऑनलाइन पार्टनर्ड विद कैमरा स्किल, जहाँ पे जिस मतलब शॉप में मैं लगाऊंगा तो उनका नाम है। ओके तो यहाँ पे जैसे कि ये शी वाला जो है ना, मैं ये टाइप करता हूँ, ये मेरे दूसरे एंटीना पे लॉगिन है, बट अगर मैं इससे इसमें ऑन करूँगा मतलब तो देखते हैं 8 3 2। ओके तो देखो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड या फिर इनवैलिड बोल रहा है। हालांकि अगर मैं इसे फॉरगेट करके मैं दूसरे सेम उससे करूंगा ना तो ये कनेक्ट हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं अपने दूसरे वाले सॉरी मैं एक न्यू यूजर आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे MGZ 434। ओके एंड हम लोग का इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, ये 1.2 से चल रहा है एंड इसका सिग्नल काफ़ी स्ट्रांग है। वो वाला पता नहीं कौन से डायरेक्शन में लगा हुआ है एंड देखो हम लोग का इंटरनेट सर्व कर रहे हैं। ओके तो यही कुछ है अपना मिकमॉन सर्वर जो कि वाउचर सॉफ्टवेयर है।